से बाय किया है और इसको जब निकालते हैं सबसे पहले इसको निकालते हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अंदर से निकला हुआ है। आप देख सकते हैं इसे, ये HX750 ड्रोन है। अब हम इसे अंदर निकालेंगे। ये टैप से कुछ इस तरह से पैक है। इस टैप को सबसे पहले हम काटेंगे इस कैंची के माध्यम से। टैप को काटेंगे, टैप को काटने के बाद इस तरह से निकलेगा। तो इसमें क्या है आप देख पा रहे होंगे, इसका रिमोट है, कुछ इसका चार्जर, कुछ और सामान है इसमें, इसका चार्जर है और चार्जर है। इसके बाद हम और देखते हैं इसमें क्या आया है। एक निर्देशों का एक पेपर है किस तरह से इन्हें चलाना है, क्या क्या है, कैसे कैसे चलेगा ये सब चीजों के लिए। और निकाल के देखते हैं ये इन्हीं का एक बॉक्स। अब जो अपना मेन निकलने वाला है दिस इज आवर ड्रोन, कुछ इस तरह से पैक आया है। सबसे पहले हमें यहां से इनको कट करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। तो अपन कट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहां से कट करते हैं। एक बन हमारा कट हो गया, अब दूसरा वाला कट करते हैं। फाइनली ये हमारा ड्रोन निकल चुका है। आप देख पा रहे होंगे क्वाड कॉप्टर है, इसमें चार पंखुड़ी हैं और ये इसका फ्रेम है इस तरह का। यहाँ पर इसमें बैटरी रखी हुई है और यहाँ पर ही इसका मदरबोर्ड है। बाकी इन दोनों को जैसे ही अपन कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। वो यानी इसमें लाइटिंग भी है, लाइटिंग भी है, फ्रेम भी फाइबर का बना हुआ है इसलिए टूटने का खतरा भी बहुत कम है। अब इसका अपन ट्रायल करके देखते हैं किस तरह से उड़ता है। देखते हैं रिमोट में क्या आया हुआ है। पेचकस की जरूरत पड़ेगी शायद अपन इसका इस्तेमाल करके। जो हमें सेल नहीं आते हैं, हमने सेल एक्स्ट्रा से बाहर से डाले हुए हैं, इसके बाद इसको हम बंद कर फाइनली ये बंद हो गया। इसको स्टार्ट करके देखते हैं। या हम इसको भी चालू करते हैं। इसमें लाइटिंग हो रही है, अगर इसको कनेक्ट होता है तो ये लाइटिंग है ना बंद हो जाती है। जैसी लाइटिंग बंद होती है कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम इसको वाह, मतलब बहुत अच्छे से उड़ रहा है। अब इसको हम बाहर जाके चेक करते हैं कि बाहर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, बाहर दिखाती हैं हम आपको। चलो गाइस, अब हम बाहर आ चुके हैं ग्राउंड में और हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखना है इसकी फ्लाइंग किस तरह की होती है। स्टार्ट कर दिया है। या वाह, फ्लाई भी बहुत अच्छे से हो रहा है, कंट्रोल भी बहुत अच्छे से हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे।
फ्लिपिंग भी करता है, यानी जो रिमोट में बटन्स आए हुए हैं उनमें से एक बटन फ्लिपिंग करने का है, यानी उसी जगह पर ये मूव कर जाता है। वाह, आप देख पा रहे होंगे। और इसकी ऊंचाई भी देखिए कितने ऊपर जा सकता है, या अगर इसे आप खुले मैदान में चलाते हो तो ऊंचाई बहुत अच्छी गेन कर लेता है, करीबन कभी ना 50 मीटर की ऊंचाई गेन कर लेता है। और दूरी कहाँ जितना तुम ऊपर ले जाओगे वैसे इसका कंट्रोल कम हो जाएगा, देख पा रहे होगा। या We'll be right back.